हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएमएस स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल के स्केड्यूल को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में किया जा सकता है। एक खबर ये भी आ रही है कि इस बार आईपीएल काफी छोटा हो सकता है, यानी कि आईपीएल के जो डेज हैं वो काफी कम हो सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो है सुपर एक्सक्लूसिव। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कितने दिन का आईपीएल इस बार हो सकता है। इस बार का आईपीएल यानी कि आईपीएल 13 यूएई में होगा, इसकी पूरी संभावना है। आईपीएल की टीमों ने तैयारी कर ली है और खिलाड़ी भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बीसीसीआई या फिर आईपीएल गवर्निंग बॉडी की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। खास बात ये भी है कि सोमवार को आईसीसी की बैठक होनी है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी आखिरी फैसला होने की बात सामने आ रही है। टी20 वर्ल्ड कप इसी साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में होना है, लेकिन पिछले दिनों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उससे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप हो पाएगा। हालांकि इसे रद्द तो काफी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आईसीसी लगातार इसकी तारीखों को आगे बढ़ाता रहा है, लेकिन अब लगता है कि बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार फिर से आईपीएल पर लौटते हैं, और अगर इस बार आईपीएल का आयोजन यूएई में होता है, जिसकी की पूरी उम्मीद है, तो ये दूसरी बार होगा आईपीएल की हिस्ट्री में जब आईपीएल का आयोजन पूरा का पूरा हिंदुस्तान से बाहर होगा। इससे पहले क्या कुछ हो चुका है वो भी आपको बता दूं। इससे पहले 2009 का पूरा आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उस साल आईपीएल के ही आसपास भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे, इसलिए इसे दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है, बल्कि बीमारी के कारण इसे दूसरे देश में ले जाना पड़ रहा है। हालांकि यूएई के लिए आईपीएल नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2014 में भी कुछ मैच यूएई में खेले गए थे, लेकिन बाद के मुकाबले भारत में ही खेले गए थे। हालांकि फर्क बस इतना है कि इस बार पूरा का पूरा आईपीएल यूएई में ही खेला जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर आईपीएल होगा तो आईपीएल कितने दिनों का होगा, और खबर ये आ रही है कि इस बार का आईपीएल आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा आईपीएल हो सकता है अगर दिनों की बात की जाए तो क्या कुछ खबरें इसको लेकर सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले सबसे छोटा आईपीएल 2009 में ही हुआ था, जब दक्षिण अफ्रीका में मैच हुए थे। उस साल पूरा आईपीएल 37 दिन में ही निपट गया था, यानी इससे छोटा आईपीएल अभी तक कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार शायद रिकॉर्ड टूट जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार का आईपीएल 18 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चल सकता है, यानी पूरा टूर्नामेंट 28 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हालांकि आपको फिर से याद दिला दें कि ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट या फिर सूत्रों के हवाले से ही आ रही है। बीसीसीआई ने तो अभी तक आईपीएल का ही ऐलान नहीं किया है, तो फिर शेड्यूल और दिन की बात तो दूर है, लेकिन पूरी संभावना है कि इसी के आसपास आईपीएल शुरू होगा और सबसे छोटा आईपीएल हो सकता है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि जब इससे पहले 12 आईपीएल खेले गए थे तो उसमें कितने दिनों का खेल हुआ था, मैचेस जो थे वो कितने दिन में कंप्लीट कर लिए गए थे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। साल 2008 में पहला आईपीएल खेला गया था, जो पूरे 45 दिन यानी कि डेढ़ महीने तक चला था। इसके बाद साल 2009 का आईपीएल 37 दिन का हुआ था। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और ये अब तक का सबसे छोटा आईपीएल था। इसके बाद साल 2010 में फिर आईपीएल का पूरा रोमांच देखने को मिला और ये 45 दिन तक चला। इसके बाद 2011 में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल 51 दिन तक पहुंच गया, यानी क्रिकेट की भाषा में कहें तो आईपीएल ने साल 2011 में अर्धशतक लगाया था। इसके बाद साल 2012 में ये बढ़कर 54 दिन का हो गया। इसके बाद 2013 में आईपीएल फिर 54 दिन तक का ही चला। इसके बाद बदलाव आया साल 2014 में, जब यूएई और भारत में आईपीएल हुआ, इसलिए घटकर 47 दिन का हो गया था। इसके बाद साल 2015 में 47 दिन, साल 2016 में 51 दिन और साल 2017 में 47 दिन तक आईपीएल चला था। इसके बाद की बात करें तो साल 2018 में 51 दिन और साल 2019 में 51 दिन तक आईपीएल चला, यानी हर बार करीब एक से डेढ़ महीने तक आईपीएल का रोमांच हमें देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार शायद पहली बार होगा जब आईपीएल एक महीने से भी कम का हो जाएगा। इस बार भी जब मार्च में आईपीएल होना था तब भी वो काफी लंबा होने वाला था। पिछली बार 29 मार्च को आईपीएल का पहला मैच होना था, इसके बाद लगातार मैच होने के बाद 24 मई को फाइनल खेला जाना था, यानी करीब करीब दो महीने का आईपीएल होना था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तब आईपीएल का पूरा रोमांच लाने की तैयारी बीसीसीआई ने कर ली थी, लेकिन इस बार अब बीसीसीआई को किसी भी तरीके से आईपीएल को कराने की जल्दी है, इसलिए पूरी संभावना है कि एक महीने से भी कम का हो सकता है। तो आपको और हम सभी को आईपीएल के ऑफिशियल स्केड्यूल का इंतजार है। उम्मीद है कि बीसीसीआई इसके बारे में जल्द ही फैसला लेकर एक प्रेस रिलीज जारी करेगी और हम आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाएंगे कि आईपीएल का स्केड्यूल कैसे होने वाला है, कौन सी दो टीमें हैं जो सबसे पहले मैच में भिड़ेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।